Let's start with chapter number 4, the refugee. India become free in 1947. Bharat Azad hua 1947 mein. But it was partitioned into two countries, India and Pakistan. Matlab Bharat ko do bhagon mein vibhajit kiya gaya, jinka naam pada India and Pakistan. There were wide separate रियोड्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, मतलब कि जो व्यापारी लोग हैं हिंदू और मुस्लिम हैं उनके बहुत दंगे हुए ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर, मिली अगस्त और सितंबर के टाइम पे लीव देयर होम्स एंड विलेज एंड माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, मतलब कि उस टाइम पे लाखों लोग बेघर हो गए और जिन्हें मतलब पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा. इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर Two old women had to travel hundreds of miles away from their homes. दो women जो अपने घर से 100 miles दूर आई. One of them was the writer's mother और उनमें से एक लेखक की मम्मी थी. She came to Mumbai from Panipat. वह मुंबई आई पानीपत से. The other was an old Sikh woman जो दूसरी थी वो Sikh woman थी. Before partition she lived in रावलपिंडी. पार्टीशन होने से पहले वह रावलपिंडी में रहती थी. बट आफ्टर पार्टीशन शी वॉज सेंट टू दिल्ली एंड फ्रॉम देयर मुंबई. और जब पार्टीशन हुआ उसको दिल्ली भेजा गया और उसके बाद मुंबई. द ओल्ड सिख वुमेन वॉज कॉल्ड मान जी. जो ओल्ड सिख वुमेन थी उसे मान जी कहा जाता था बाय द राइटर, जो राइटर है उसके द्वारा. इन रावलपिंडी मान जी लिव्ड इन हर ओन हाउस. और जो रावलपिंडी में जब मान जी रहती थी वह अपने खुद के घर में रहती थी. इट वॉज़ अ डबल स्टोरी हाउस और वो दो मंजिला हाउस था. मैनी ऑफ हर नेबर्स वर मुस्लिम और जो उनके पड़ोसी थे वो मैक्सिमम मुस्लिम थे. देयर वॉज़ अ क्लोज बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप और मतलब जो उनका बॉन्ड था वो बहुत ही क्लोज था बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एट दैट टाइम. और उस टाइम पे मतलब हिंदू और मुस्लिम का मतलब अच्छा ऐसे रिलेशनशिप था. द मुस्लिम वुमेन नेबरहुड कॉल्ड हर बहन जी. और जो मुस्लिम वुमेन्स नेबर थी मतलब कि जो मुस्लिम लेडीज़ पड़ोसी थी ना वो उन्हें बहन जी कहती थी. एंड द गर्ल्स कॉल्ड हर मान जी. और जो लड़कियाँ थी वो उसे मान जी कहती थी और चाची भी कहती थी. ठीक है. द ओल्ड कपल हैड एन ओनली सन. वह दंपति औलाद का एक लौता बेटा था. ही फर्स्ट वर्क इन लाहौर. वो पहले लाहौर में काम करता था उसके बाद वो कोलकाता में काम करने लगा. देन कोलकाता एंड फाइनली इन मुंबई. फिर वो लास्ट में आखिर में मुंबई में काम करता था. एट होम द कपल हैड अ बुफेलो. और उनके घर में एक बुफेलो भी थी मतलब भैंस भी थी. शी डेली चाम द मिल्क एंड मेड कर्ड एंड बटर. वे दूध निकालती और फिर उनसे मतलब दही और घी बनाती. देन शी डिस्ट्रीब्यूटेड बटर मिल्क टू होल नेबर्स. मतलब जब वो लस्सी बनाती थी तो वो अपने पूरे पड़ोस में बांटती थी. दे हैड देयर ओन लैंड. वो उनकी खुद की ज़मीन होती थी. इट वॉज लीज्ड आउट टू सम फार्मर. और उन्होंने ज़मीन मतलब काम करने के लिए और किसान को दे रखी थी. सो दे हैड वीट मक्का बाजरा मिल्क बटर एंड घी इन अबेंडेंस. तो उनके पास खाने के लिए जैसे कि गेहूँ बाजरा मक्का ये सारी चीज़ें होती थी. पीने के लिए दूध घी और ये सब कुछ भरपूर मात्रा में था. दे हैड इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ शॉप ऑल्सो. मतलब उनकी कुछ दुकानें थी जो उन्हें किराए पे देते थे और उससे भी पैसे आते थे. दस दे वर द कंटेंट कपल. इन जून 1947 देर वॉज द न्यूज़ ऑफ द इम्पेंडिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया. 1947 में जून में खबर आई मतलब कि इंडिया का पार्टीशन विभाजन होने की. बट इट डिडंट अलार्म द ओल्ड वूमेन. मतलब जो ओल्ड वूमेन थी उसको कोई ऐसे चिंता नहीं हुई थी इस बात की. शी डिड नॉट केयर वेदर द कंट्री वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान और पाकिस्तान. मतलब उसे ऐसे नहीं था कि भाई जो कंट्री है उसमें रहते हैं उसे हिंदुस्तान बोला जाए या पाकिस्तान. उसके लिए मतलब वो सबको इक्वल मानती थी. ऐसे नहीं है भाई ये हिंदू है मुस्लिम है सबके साथ अच्छे से रहती थी. देयर रिलेशंस विद द नेबर्स वर ऑलवेज कॉर्डियल. जो उसका रिलेशनशिप था वो काफ़ी अच्छा था मधुर था उसके पड़ोसियों के साथ. शी बिलीव्स दैट दे वुड रिमेन कॉर्डियल. और वो सोचती थी कि भाई उनके साथ हमेशा मधुर ही उसका व्यवहार रहेगा. बट नाउ देयर वॉज अ वॉयलेंस आर हेटरेड एवरीवेयर.
लेकिन अभी ऐसा समय आ गया था, हर एक मतलब ऐसे मारकाट होने लग गई थी, सब जगह लड़ाई झगड़ा होने लग गया था, हेटरेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब लोग दूसरे को हेट करने लगे थे, नफरत करने लगे थे. देन सम मुस्लिम्स कम फ्रॉम ईस्ट पंजाब एंड सेपरेट फॉल्स र्यूमर, मतलब कि कुछ मुस्लिम आए ईस्ट पंजाब से, ईस्ट पंजाब की साइड से, और उन्होंने र्यूमर मतलब गलत र्यूमर फैलाना शुरू किया, मतलब गलत बातें बोलना शुरू किया. देर वॉज फिरेंस कॉमुनल रोइट्स इन रावलपिंडी ऑल्सो, और रावलपिंडी में भी ऐसा होने लगा. सम मुस्लिम नेबर्स कम टू हर, दे रिक्वेस्ट हर टू गो अवे टू द प्लेस ऑफ सेफ्टी, और जो मतलब कि उसके नेबर थे मुस्लिम, वो उसके पास आए और उसे से रिक्वेस्ट की कि भाई आप सेफ प्लेस पे चले जाओ यहाँ से. बट इवन द मांझी बिलीव दैट एवरीथिंग विद ऑल राइट, मतलब वो सोच रही थी कि सारी चीज़ें ठीक हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा. शी इवन डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ब्लैंकेट्स एंड ब्लीडिंग टू द मुस्लिम फूजीज हु कम फ्रॉम द ईस्ट पंजाब, लेकिन वो अभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही, जैसे खाना ब्लैंकेट जिसके पास कुछ, मतलब हर बंदे की वो मदद कर रही थी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो. वन डे मांझी फेथ इन फेलो फीलिंग बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वॉज शेल्टर्ड. फिर एक दिन मांझी का मतलब कि जो भ्रम था ना हिंदू और मुस्लिम एक हैं, वो भ्रम टूट गया. शी विटनेस द मर्डर ऑफ अ टोंगा वाला इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, टोंगा वाला का मर्डर होते हुए देखा उसके घर के सामने. सी सा दैट सम मुस्लिम कैच हिम एंड किल्ड हिम ओनली बिकॉज ही वॉज हिंदू, उसने देखा कि भाई कुछ मुसलमान आए और उन्होंने उस बंदे को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया, और उसे मारना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि वो हिंदू था, ओनली ऑफ दिस रीज़न. शी वॉज सब टू डेथ, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई तब तक उसे मारते. द मुस्लिम डिड नॉट स्पेस इवन हिज हॉर्स, मुस्लिम थे उन्होंने उसके हॉर्स को भी नहीं छोड़ा. द हॉर्स हैज़ नाइदर रीज़न नॉर कास्ट, मतलब जो घोड़ा होता है वो तो ना तो रिलीजन ऐसा है उसका भाई ये हिंदू है मुस्लिम है ऐसा, ना उसका कास्ट का कुछ सिस्टम है. बट दे वेंट टू स्टेबलिंग द हॉर्स टिल हिज डेथ, मतलब जब तक वो हॉर्स भी उसकी डेथ नहीं होगी ना, जब तक उसकी जान नहीं निकल गई तब तक उसको मारते रहे. देन सी न्यू दैट द कॉमनली मैडनेस हैड गोन सो फार, ही फेल्ट दैट दे वर नो लॉन्गर सेफ इन रावलपिंडी. फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई यहाँ पे तो बहुत ही ख़राब हाल हो चुके हैं और रावलपिंडी में उसके लिए रहना सेफ नहीं है. देन शी एंड हर हस्बैंड लॉक्ड अप द हाउस एंड लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड, वो और उसके हस्बैंड मतलब कि घर को लॉक करके वहाँ से सब कुछ छोड़ के चले गए. शी स्टिल होप टू कम बैक वन डे, अभी भी मतलब उसके दिल में ऐसा था कि भाई वो वापस आएगी एक दिन. बाय द टाइम शी रीच दिल्ली शी विटनेस्ड हॉरिबल सीन्स ऑफ द कॉमनल मैडनेस, मतलब उसने अपन मतलब वो दिल्ली पहुंच गई और उसने कुछ ऐसे सीन्स देखे थे बिल्कुल ऐसे जैसे वो टोंगा वाला सीन था. फ्रॉम दिल्ली शी कम टू मुंबई टू हर सन, उसके बाद वो दिल्ली से मुंबई आई उसके बेटे के पास इन रावलपिंडी. हर हाउस हैड सिक्स, जो रावलपिंडी में उसका घर था ना उसके पास मतलब 6 रूम सेट थे, बट इन मुंबई शी हैड टू लिव इन अ सिंगल रूम हाउस, मुंबई में उसको एक कमरे में रहना पड़ा. देयर वॉज अ स्मॉल किचन, उसके अंदर एक छोटा सा किचन था, विच वर सर्व्ड एज बाथरूम एंड अ स्टोर रूम, और उसको मतलब बहुत बार ऐसे सर्व किया जाता था, मतलब ट्रीट किया जाता था एज अ बाथरूम और अ स्टोर रूम. बट शी वॉज रिकॉन्सिल्ड विद हर अलोट, मीन्स उसने अपने भाग्य से समझौता कर लिया था. शी कैप्ट एवरीथिंग क्लीन इन हर रूम, मतलब वह अपने कमरे में सब कुछ साफ रखती थी. शी कुक्ड एवरीथिंग विद हर ओन हैंड्स, मतलब वो जो खाना बनाती थी वो खुद बनाती थी अपने हाथों से. बट शी नेवर फॉरगेट हर नॉर्थ इंडियन हॉस्पिटैलिटी, लेकिन वह कभी अपनी उत्तर भारत की मेहमान नवाजी करना नहीं भूली. इफ़ एनी फ्रेंड ऑफ हर सन विजिट हिम, अगर उसके बेटे का कोई भी फ्रेंड अगर उसके घर पे आता, शी नेवर लेट हिम गो विदाउट ईटिंग समथिंग, मतलब वो खाना खिलाए बिना या फिर कुछ खिलाए पिलाए बिना उसके बेटे के दोस्त को भी घर से नहीं जाने देती थी. जी हैड अ फेयर कॉम्प्लेक्स, जो मांझी थी वो मतलब उनका फेस क्लियर था, रंग गोरा था उनका. शी हैड अ शॉर्ट स्वेटर एंड अ फ्रिगल बॉडी, उनका कद छोटा था और जो उनकी बॉडी थी वो पतली थी. हर हेयर टर्न ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वाइट आफ्टर द पार्टीशन, पार्टीशन हुआ ना उसके बाद उसके जो हेयर्स थे वो सारे वाइट हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे उसके बाल. हर हेल्थ वॉज नॉट गुड, जो उसकी हेल्थ थी वो अभी स्वस्थ नहीं रहती थी, मतलब हेल्दी नहीं रहती थी.
शी वॉज अटैक्ट ऑफ अस्थमा, उसे ना दमा का अटैक था एंड न्यूरोलिजिया, बट शी नेवर सेट आइडल, नेवर रिलैक्स एक्सेप्ट फॉर स्लीपिंग फॉर 6 hours एट नाइट, बट वो सिर्फ रात को 6 ही घंटे सोती थी, उसके सिवा कोई रेस्ट नहीं करती थी. शी गोट अप फर्स्ट इन द मॉर्निंग, वह सबसे पहले उठती थी एंड वॉज द लास्ट टू गो टू बेड, और वो सबसे लेट वो अपने बेड पे सोती थी. शी इंसिस्टेड ऑन डूइंग एवरीथिंग विद हर ओन हैंड्स, वो सब कुछ अपना काम वो खुद करती थी अपने हाथों से. शी नेवर लेमेंटेड दैट शी हैड लॉस्ट सो, उसने कभी अफसोस नहीं किया कि वो बहुत कुछ खो बैठी है. शी स्टिल रिमेंबर हर मुस्लिम नेबर्स ऑफ रावलपिंडी, लेकिन जो उसके मुस्लिम नेबर्स थे, जो उसके मुस्लिम पड़ोसी थे, रावलपिंडी में रहते थे, वो अभी भी उन्हें याद करती. समटाइम्स देयर वॉज टीयर्स इन हर आइज, बहुत बारी उसकी आंखों में आंसू होते थे, बट देयर वॉज नो एंगर और सेल्फ पिटी इन हर हर्ट, लेकिन उसे मतलब गुस्सा नहीं था, मतलब वो किसी से गुस्सा नहीं था. देयर वॉज ओनली मेमरीज ऑफ हर लाइफ इन रावलपिंडी, अभी मतलब उसके पास है ना रावलपिंडी की सिर्फ यादें ही रह गई थी. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू.